टाटा कंपनी की तरफ से गाइज आप लोगों के लिए एक फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप लॉन्च की गई है, टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रज्ञा, जिन्होंने मुझे कमेंट करके भी बताया था आई गॉट दिस स्कॉलरशिप लास्ट ईयर और इन्होंने स्कॉलरशिप का एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था। तो इस टाइप से बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर भी ये स्कॉलरशिप मिली थी। करीब अगर हम लोग रिजल्ट में जाके देखें तो करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को ये टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप अवार्ड की गई थी, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो इसके लिए तो जरूर अप्लाई कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। आप लोगों को कोई भी फीस नहीं देनी, ना ही कोई एग्जाम आप लोगों को देना, डायरेक्ट आप लोगों का इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होता है। जो अमाउंट है वो स्कॉलरशिप अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, कितनी स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलने वाली है। उससे पहले एक और अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th पास कर ली है या फिर आप लोग अपनी हायर स्टडीज के लिए ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिग्री की जाए, तो आप लोग एक फ्री प्लेटफॉर्म बता देता हूं जिसका नाम है कॉलेज विद्या। इस प्लेटफॉर्म पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहां पर इनके साथ बहुत सारे यूजी पीजी कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आप डिग्री करना चाहते हो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी डिटेल आप लोगों को ऐड करनी है। उसके बाद इनका AI मॉडल जितनी भी यूनिवर्सिटी वो डिग्री कराती है उनकी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करता है। सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे कॉलेज विद्या के जो ऑडियो वीडियो फ्री काउंसलिंग आप ले सकते हो। कॉलेज विद्या की टीम आपके प्लेसमेंट से लेके एडमिशन से लेके सारा सब कुछ हैंडल करती है। यहाँ पे इनका एड टू कंपेयर फीचर आप ट्राई कर सकते हो, जिनसे 30 इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे फीस, अप्रूवल्स कौन से यूनिवर्सिटी के पास, एलिजिबिलिटी कौन है, प्लेसमेंट कौन कौन हो सकता है, कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है उस कॉलेज में, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, इन सारे फैक्टर्स को कंपेयर कर सकते हो। EMI फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। और कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट ये आप लोगों को EMI ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं फीस में, अगर यूनिवर्सिटी नहीं देती है वो ऑप्शन तो भी। बाकी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट भी कर देते हैं और लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग इनके करियर बूस्टर प्रोग्राम, प्लेसमेंट सर्विस प्रोग्राम वर्थ ₹6999 का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो इस प्रोग्राम का एक्सेस भी, और आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप लोग ऑनलाइन डिग्री करने में इंटरेस्टेड हैं तो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं जो बच्चे टाटा की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा। तो जैसे मैंने बताया इस स्कॉलरशिप का नाम है टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये जो स्कॉलरशिप है हर साल लॉन्च की जाती है। बेसिकली इसके लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन कुछ भी कोई प्रोसेस नहीं होता, ऑनलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना होता है। टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि टाटा कैपिटल लिमिटेड का एक इनिशिएटिव है, जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कुछ अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो प्रोवाइड करते हैं उनके बैंक अकाउंट में। यहाँ पे दो टाइप की स्कॉलरशिप आप लोगों को ऑफर की जाती है भाई, एक तो क्लास 11th 12th जो कि स्कूल स्टूडेंट है, दूसरा यहाँ पे जनरल ग्रेजुएशन और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर हम डिटेल यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो डिटेल भी मिल जाएगी। इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10th of March है, उससे पहले अप्लाई कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। जो भी लोग स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, कोई एग्जाम नहीं देना, जस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, जो बच्चे अभी क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस वाली स्कॉलरशिप के लिए। आपके जो प्रीवियस क्लास है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। आप जो है वो चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए टाटा कैपिटल या फिर बड़ी फोर स्टडीज पोर्टल के, और इंडियन नेशनल्स आप लोग होने चाहिए। अगर हम बात करें बेनिफिट की तो यहाँ पे अराउंड आप लोगों को ₹10,000 बेनिफिट एज अ बेनिफिट आपके स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो आपके बैंक में आपको दी जाएगी, या फिर आपकी जो ट्यूशन फीस है कॉलेज की, स्कूल की फीस है उसका 80% आपको मिल सकता है। और ये जो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों का वन टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एक बार ही आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट ईयर आप चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो अभी हम लोग कर लेते हैं, पहले जनरल ग्रेजुएशन वाली स्कॉलरशिप देख लेते हैं। अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, जैसे BCom हो गया, BSc हो गया, BA हो गया, BCA हो गया, BCom हो गया, या फिर इस टाइप की जो भी डिग्री होती है जो ग्रेजुएशन की होती है वो अप्लाई कर सकते हैं इस वाली स्कॉलरशिप के लिए। या फिर आप लोग डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हो तो भी आप लोग स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हो। आपकी जो प्रीवियस क्लास थी 60% मार्क्स होने चाहिए और सेम टर्म्स एंड कंडीशन है। यहां पे भी आप लोगों को, यहां पे बेनिफिट आप लोगों को ₹12,000 तक का मिल रहा है जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप लोगों को एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड चाहिएगा, उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगी, वो आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है स्कैन करके।
इनकम प्रूफ चाहिएगा आप लोगों को, जो कि आप लोग फॉर्म 16 ए दे सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हो इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, या फिर सैलरी स्लिप दे सकते हो अपने पेरेंट्स की। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन भी आप लोग को चाहिएगा कि आपका एडमिशन हो रखा है कॉलेज में। एक करंट एकेडमिक ईयर की फी रिसिप्ट आपको चाहिएगी। बैंक डिटेल्स आप लोग को देना है स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स की, या फिर कैंसिल चेक दे सकते हो और पासबुक कॉपी भी दे सकते हो बैंक डिटेल्स के लिए। मार्कशीट भी देनी है आप लोगों को, और डिसेबिलिटी और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ही देना है, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अभी मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिखाऊंगा कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, और आप लोग ऐसी फ्री स्कॉलरशिप के लिए अपडेटेड रहना चाहते हो कि जब भी ऐसी कोई स्कॉलरशिप आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी फ्री कोर्स होता है, स्कॉलरशिप होती है, इंटर्नशिप होती है, उसकी डिटेल मैं वहां पे दे देता हूं। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, इस स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों का सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हो। सबसे पहले तो एप्लीकेंट्स का जो है वो एकेडमिक बेस देखा जाएगा, जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, जिन बच्चों का यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्लियर होता है, जो कि आपका मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो सेकंड राउंड तभी आप लोगों का होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको स्कॉलरशिप की क्यों जरूरत है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, कोई एकेडमिक के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। उसके बाद आप लोगों का एक इंटरव्यू भी हो सकता है, ये जो लास्ट राउंड है वो 50-50 होता है, कभी कभी टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद ही स्कॉलरशिप दे दी जाती है, अदरवाइज फाइनल इंटरव्यू भी हो सकता है, उसका यही तरीका है। और जो 50% सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं, यानी कि अगर एज अ गर्ल स्टूडेंट तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप एज अ गर्ल स्टूडेंट अप्लाई करते हो तो आपका बहुत फायदा है स्कॉलरशिप में। अगर आप सेकंड ईयर ऑफ बीकॉम में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड यू फुलफिल द ऑल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, कोई दिक्कत नहीं है अप्लाई करने में। और इस तरीके से आप लोग को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई प्रोसेस और मैं दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, यहाँ पे अप्लाई नाउ है, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग गूगल जीमेल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। अब आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, इसी तरीके का आपका मोबाइल फोन में भी ओपन होगा। सबसे पहले आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, जो कि मैंने हाइड की हुई है अभी फॉर पर्सनल रीजंस। उसके बाद आप लोगों को एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, जहां पे आपको क्लास 12th के मार्क्स और अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड करने होंगे। उसके बाद आपको अपने फैमिली मेंबर की एनुअल इनकम बतानी है कितनी है, तो वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, फैमिली इनकम प्रूफ, ये दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट को छोड़ भी सकते हो आप लोग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप ये नहीं देना चाहते। यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज में आप क्लिक करके दे सकते हो ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रेफरेंस देना है, अगर आपके पास कोई टीचर का रेफरेंस है, कॉलेज के टीचर का, स्कूल के टीचर का, या फिर किसी ट्यूशन टीचर का, तो उनका रेफरेंस भी दे सकते हो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सारी करेक्ट है। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। उसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन है आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कि आपको स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला, ये सारी चीज़ें आंसर करिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके ये टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा इस फॉर्म को। तो इस तरीके से आप लोग को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग की जो मेल आई डी आप लोगों ने दी है, मोबाइल नंबर दिया है, उस पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे चेक रिजल्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप लोग कुछ दिनों के बाद, जब ये लास्ट डेट ओवर हो जाएगी मार्च जो 10 है, उसके बाद जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।